Hello everyone, my name is Ritik and welcome you all to the specimen paper solution of computer science. So, ये part 1 है, part 1 से शुरू करेंगे and try करेंगे इस paper को पूरा solve करने की, एक-एक questions को solve करने की and जो programs हैं, वो properly मैंने BlueJay पे run करा के देखे ताकि कोई भी problem ना रह जाए, ठीक है? अब देखते हैं कि question को ध्यान से, सबसे पहला question ये बोला गया है कि absorption law states that, देखो मैं आपको start में और भी चीजें बताता रहूँगा, absorption law होता क्या basically, जब A plus AB A बना दे, या फिर A into A plus B हो, ये भी A हो, तो ये दोनों absorption law होते हैं, तो I can see कि ये वाला तो absorption law true है, but A वाला तो नहीं है, यहाँ पे complement लग गया, तो that is not the absorption law, so answer is option number B, ठीक है, तो ऐसे option मिलेंगे, डरना नहीं, second part देखो, If A is equals to 0, B equals to 1, C equals to 0 and D equals to 1, minterm is that. Obviously, यही होता है कि minterm तभी बनते हैं जब 0 पे complement लगता है और 1 पे normal variable रहता है. तो मेरा minterm ये बन रहा है जो exactly question में दिया हुआ है. लेकिन the final sum term must be 0 and A and C are complicated. अब एक important चीज़ है कि reason ठीक है, so ये हमने कह रहा कि ये सही है, reason देखते हैं, the final sum term must be zero, so A and C are complemented, ऐसा नहीं है, जो final का जो product आया है आपका, ये one होना चाहिए, इसलिए A और C को complement किया है, तो assertion true है, reason is false, assertion is true, reason is false, option C होगा इसका correct answer, next देखो, according to the principle of duality, the boolean expression, जो boolean expression दिया देखो, P plus Q complement, into r into 1 is equals to p into r plus q complement into r ठीक है इसका अगर मैं dual निकालने जाऊंगा तो dual कुछ इस तरीके से होगा p dot q complement ये bracket में रहेगा plus r plus 0 is equals to p plus r dot q complement plus r तो ये इसका dual हो जाता है basically dot को plus करना था plus को dot करना था that's all ये dual होता है तो आप इससे match कर लो कौन सा option match हो रहा है तो p dot q complement plus r plus 0 वाला या तो ये अलग होगा या तो ये अलग होगा और ऑप्शन में p plus r q complement plus r दोनों में तो सेम है क्या डिफरेंस है 0 है तो ऑप्शन ये ऑप्शन बी तो ज्यादा चेक भी नहीं करना पड़ा ये हमारा आंसर हो गया द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन देखो कॉम्प्लीमेंट निकालना बड़ा सिंपल सा टास्क है आपको ये ओरिजिनल फंक्शन दिया है x plus y का होल कॉम्प्लीमेंट plus z का कॉम्प्लीमेंट ठीक है ये आपको एक्सप्रेशन दिया है इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब आई नीड टू फाइंड f कॉम्प्लीमेंट सो इट सिंपली मींस x डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट का इस पूरे पे ना एक होल कॉम्प्लीमेंट लगा देना तो जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा दिस बिकम्स एक्स प्लस वाई और ये डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा प्लस का डॉट हो जाता है और जेड का भी डबल कॉम्प्लीमेंट तो फाइनल आंसर विल बी एक्स वाई एंड जेड विच इज ऑप्शन नंबर बी आई होप दिस इज क्लियर द इक्विवेलेंट ऑफ दिस विल बी वॉट हमें इक्विवेलेंट पूछा है तो देखो दिया ये एक्सप्रेशन आपको ये है कि पी और एंड क्यू और not of p and of not of q तो technically this question is something like this pq plus p complement q complement ये दिया हुआ है और हमें ये बड़े अच्छे से पता है ठीक है बहुत अच्छे से पता है कि ये p complement dot q complement है ठीक है plus में लगा है okay तो ये चीज़ देखो clarify कर लो इस चीज़ को कि हम verify कर सकते हैं you can put the values of p and q you can verify that तो करने के तरीके बहुत हैं it is similar to what हमसे ये पूछा it is similar to what तो देखो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ क्या किया है ब्रैकेट का यूज किया तो देखो पी कॉम पी क्यू एंड पी कॉम्प्लीमेंट डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे और दिस इज द करेक्ट आंसर तो बेसिकली दे जस्ट अप्लाइड ब्रैकेट हियर और कुछ भी नहीं किया उन्होंने और हमें डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन ये बना देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बूलियन अलजेब्रा एंड बाइनरी नंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दैट इज ट्रू ये तो सच है क्वेश्चन सही है रीजन क्या है देयर आर सम बेसिक ऑपरेशन लाइक एंड और एंड नॉट व्हिच आर परफॉर्म्ड ओनली इन बूलियन अलजेब्रा रीजन इस ओके रीजन देखो ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ठीक है दिस इज नॉट इसलिए अलग नहीं है कि एंड और नॉट हम सिर्फ बूलियन अलजेब्रा में यूज कर सकते हैं इसलिए अलग है कि इसमें जो बूलियन अलजेब्रा है इसमें वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स होती हैं बाइनरी नंबर्स में दे आर वन एंड जीरो ये बेसिक है तो असर्शन रीजन अपने आप में ट्रू है लेकिन इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा ठीक है आई होप दिस इज क्लियर To all of you. इसके बाद आपसे पूछा है कि भाई स्टैटिक का क्या सिग्निफिकेंस है ठीक है स्टैटिक का क्या सिग्निफिकेंस है सो बेसिकली स्टैटिक हमें यह बताता है कि जिसके साथ भी आप स्टैटिक लगा दोगे वो क्लास से एसोसिएट हो जाएगा तो स्टैटिक कीवर्ड आप ऐसे लिख सकते हो स्टैटिक कीवर्ड
indicates that the object, object is in the sense मैं object की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपके variables की मैं बात कर रहा हूँ और classes की बात कर रहा हूँ या functions की बात कर रहा हूँ. So that the entity, let's call this as entity, not object, that the entity belongs to class itself, belongs to class itself and not only to the instances. ठीक है, तो basically जो static keyword होता है वो class का होता है and we don't need to create object इसके अंदर हमें object बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, स्टेट वन एनी वन पर्सन यूजिंग इंटरफेस इन जावा प्रोग्रामिंग. तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना अगर आप एक वर्ड लिख के आ जाओगे एब्स्ट्रैक्शन, आपको पूरे नंबर मिलेंगे. बट प्रॉपरली लिख देना कि यूज ऑफ इंटरफेसेस इज यूज इन जावा प्रोग्रामिंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, तो हम लोग ना बैकग्राउंड डिटेल्स हाइड करते हैं वो करते हैं, तो इसलिए इंटरफेस का क्रिएशन करते हैं. तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए दिस इज यूज. ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन करते हैं और एक क्लास को इंप्लीमेंट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं. बात समझ में आई? तो इसमें होता क्या है, इसमें जो आपके कोड की कंसिस्टेंसी होती है, मॉड्युलैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है. तो इट प्रमोट्स, यू कैन से इट प्रमोट्स द कंसिस्टेंसी ऑफ कोड, मॉड्युलैरिटी एंड रिलायबिलिटी. तो ये आप इसमें आंसर दे सकते हो. ठीक है, ये चीज़ हो गई. इन्होंने फिर पूछा है स्टेट वन वन एप्लीकेशन ऑफ हाफ एडर एंड फुल एडर. तो वही है कि हाफ एडर इज यूज टू एड टू बाइनरी डिजिट्स, इट एड टू बिट्स एंड इट एड थ्री बिट्स, इट एड्स थ्री बिट्स या बाइनरी डिजिट्स. तो जो डेफिनेशन मैंने हाफ एडर फुल एडर की बताई थी, बस उसी में से आपको करना था. ये क्वेश्चन दो नंबर का आपको हर साल पेपर में देखने को मिलता है. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स फॉर्म टू द पोस्टफिक्स फॉर्म. तो ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, ये ब्रैकेट्स हैं, देन होल डिवाइडेड बाय डी इनटू ई माइनस एफ. तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का यूज़ करते हैं. आप बॉड मास का भी अगर यूज़ करोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटर्स ही कम होते हैं, लेकिन प्रॉपरली हम यूज़ करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का. देखो यहाँ पे डिवीजन और एडिशन है, तो डिवीजन हैज अ हायर प्रेसिडेंस. इनफिक्स से पोस्टफिक्स मतलब बाद में आना चाहिए. तो इनफिक्स मतलब ये होता है, दिस मीन्स इनफिक्स, और अगर इसका पोस्टफिक्स लिखना होगा मैं ऐसे लिखूंगा ए बी प्लस. तो जो ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल्स के बाद आता है. तो दिस विल बिकम ए बी स्लैश प्लस सी. नाउ दिस ए बी स्लैश इज अ वेरिएबल, सी इज अ वेरिएबल, प्लस इज अ ऑपरेटर. और ये जो है ना स्लैश, ये बाद में यूज करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे. तो ये आ जाएगा, देखो ब्रैकेट पहले सॉल्व होंगे, रिमेंबर दिस. तो यहाँ पे ई एफ माइनस इस तरीके से लिख के आ जाएगा. नाउ जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए बी स्लैश, एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल सी था, प्लस आ जाएगा स्टिल इन द ब्रैकेट, वो सॉल्व हो चुका है. लेकिन ये आ जाएगा डी ई एफ माइनस और ये स्टार आ जाएगा. तो वेरिएबल के आगे हम उसको भेज देते हैं, ये भी है. तो ये अब देखो, ये पूरा वेरिएबल है, पूरा वेरिएबल है, सिर्फ ये जो स्लैश है ये आपका ऑपरेटर है. तो फाइनल आंसर आ जाएगा ए बी स्लैश सी प्लस डी ई एफ माइनस स्टार एंड डिवीजन. तो ये आपका चार लाइन में आंसर मिल जाएगा, दो नंबर पूरे मिल जाते हैं. सेकेंड पार्ट को देखिए, सेकेंड पार्ट में बोला है एक एरे दिया हुआ है इस तरीके का, इट स्टोर्स द एलिमेंट माइनस फोर सिक्स टू स्टोर रो मेजर वाइज. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. रो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है रो मेजर वाइज का, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉलम मेजर वाइज. एड्रेस होता है बी प्लस डब्ल्यू इन टू, क्योंकि हम रो मेजर वाइज कर रहे हैं. यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई माइनस एल आर इन टू द नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस में जे माइनस एल सी. तो ये चीज़ें लिखी हमने. अब आपको फॉर्मूले का मतलब पता है, बी मतलब बेस एड्रेस, डब्ल्यू मतलब विथ, हर चीज़ हमें पता है, क्वेश्चन में सब कुछ पता होगा. फाइंड द बेस एड्रेस, हमें बी का बताना है, एड्रेस इसका दिया है. ठीक है, तो हमें जो चीज़ें गिवन है उसको भी लिख लेंगे और जो निकालना है वो भी लिख लेंगे. जो चीज़ें नहीं पता उसको भी निकालना पड़ेगा, जैसे कि एम और एन की वैल्यू नहीं मालूम. तो एन की वैल्यू देखो कैसे आएगी, एन की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम से आती है. तो ये आता है भाई द फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये 12 प्लस 2 एन प्लस 1, ये निकालना हमने अच्छे से सीखा है, ये 15 हो जाएगा. तो एन की वैल्यू 15 आ गई. बेस एड्रेस वी डोंट नो, डब्ल्यू वी डू नो, ये 2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ था. एड्रेस ऑल्सो वी नो, एड्रेस इज 4142, और जहाँ का एड्रेस देते हैं उसको आई और जे कहते हैं, मतलब आई 2 है और जे 3 है. तो हमें सारी वैल्यूज पता चल गई हैं जो हमें बस इसमें रखना है. यू कैन से बाई 4142 इज इक्वल्स टू बी प्लस डब्ल्यू इन टू, डब्ल्यू 2 था, 2 इन टू द थिंग आई माइनस एल आर. तो 2 माइनस एल आर मीन्स द लोअर साइड ऑफ द रोज,
एल आर का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि लोअर साइड ऑफ द रो आपको यहाँ पे लेनी है, तो लोअर साइड ऑफ द रो मतलब माइनस फोर है, तो यहाँ पे वो माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा इनटू द नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज 15 एंड वी एड प्लस साइन, जे की वैल्यू इस केस में 3 है और इसका भी माइनस 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनल वैल्यू आ गई। तो आ गया भाई बी प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में 15 सिक्स इज 90 एंड 90 प्लस 595, तो ये 95 भाई यहाँ बॉड मास का यूज़ कर लेना, तो ये आ गया 4142, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 4142 माइनस 190, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4052, दैट इज द आंसर। तो बेस एड्रेस निकल के क्या आ गया 4052, सब्ट्रैक्शन अपने हिसाब से आप भाई देख लेना इस तरीके से होगा, सॉरी 4052 3952 नॉट 40 इट्स 3952, 200 माइनस हो रहा है ना 395, दैट इज द आंसर। कैलकुलेटर का यूज़ करना भाई, गलत मत करना, दिस इज द करेक्ट आंसर बाय द वे, ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग फंक्शन आर पार्ट ऑफ द सम क्लास, ऐसे क्वेश्चन को हम स्टैक के मेथड से करते हैं, स्टैक का मेथड क्या होता है उसको भाई समझ लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, इन्होंने बोला पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई के अंदर प्ले डालेंगे, ट्राई मतलब ऊपर वाले के अंदर मैंने प्ले डाला, तो इंस्टेड ऑफ दिस सी एच आई हैव अ एरे विच इज नोन एज दिस प्ले, और एक्स की जगह पे मैं वन डालूँ, एक्स की जगह पे मैंने इस जगह पे देखो वन डाला, जैसे हम अंदर गए हमने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी एच, सी एच को प्रिंट करने का मतलब क्या है, हमने एज इट इज प्ले को प्रिंट कर दिया, पूरी ये एरे प्रिंट हो जाता है। फिर कैट टेम्प लिया, इसके बाद ये प्रिंट हो चुका है एक बार, ठीक है ये एक बार ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, देखो बार बार क्या होगा, इफ x इज लेस देन सी एच डॉट लेंथ, अब भाई लेंथ इसकी 4 है डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1 की वैल्यू अभी भी 2 से कम है, तो ये कोई बेसिकली आ रहा है 1 इज लेस देन 2, कंडीशन इज 2, अंदर गए टेम्प के अंदर हमने डाल दिया सी एच ऑफ 1, सी एच ऑफ 1 मतलब यहाँ पे आ गया l, ठीक है सी एच ऑफ 1 मतलब यहाँ पे आ गया l, देन सी एच l की जगह पे जो l था उसकी जगह पे देखो बेसिकली मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ, समझना इसको ध्यान से, दिस इज p l a एंड y, दिस इज 0, 1, 2 एंड 3, ये इंडेक्स नंबर हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई टेम्प से मैंने एल निकाल लिया, मतलब ये वाली जगह हो गई खाली, इसके अंदर डालेंगे सी एच डॉट लेंथ माइनस एक्स माइनस वन, लेंथ आई थी 4 माइनस एक्स माइनस वन, तो ये 2 है, तो सेकेंड पोजिशन पे जो वैल्यू है वो उठ के इधर आ जाएगी, ये वैल्यू उठ के इधर आ गई, ठीक है, और इसकी जगह पे जो टेम्प में डाला था वो आ जाएगा, तो ये पी ए एल वाई आ जाएगा, गॉट इट। तो हमारा जो पहले प्रिंटिंग हुई थी, एक सेकेंड, हमारा जो पहले प्रिंटिंग हुई थी ना, वो प्ले प्रिंटेड है, दैट प्ले इज प्रिंटेड एज इट इज, ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम गए तो अब हमारे पास यहाँ पे अंदर गया है पी ए एल वाई और एक्स की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई, तो इंस्टेड ऑफ एक्स 1 और प्ले हमें पी ए एल वाई मिला, वापस अंदर गए, तो हमें वर्ड को प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट अंदर घुसते ही पूरा प्रिंट करना है, तो फाइनल जो प्रिंट आएगा पी ए एल वाई आ जाएगा, तो वो प्रिंटेड था, अब पी ए एल वाई भी प्रिंट हो जाएगा। तो द मोमेंट वी प्रिंटेड पी ए एल वाई हम फिर नीचे आए, हमने अपनी कंडीशन देखी, मेरा एक्स है 2 लेस देन सी एच लेंथ डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि ये 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स है, तो इसके आगे चलेगा नहीं एंड दिस इज माई आंसर, यहीं पे रुक जाएगा, तो इफ रुक गया और हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो आउटपुट जो पहले का आएगा, जो पहले का आउटपुट आएगा वही आएगा पी एल ए वाई एंड पी ए एल वाई, दैट इज द फाइनल आंसर। अब यही काम हम ट्राई में करेंगे, मतलब ट्राई वन में करेंगे और इसमें वैल्यू स्काई डालेंगे, सिंपल सा देखो कर क्या रहा होगा, अगर मैं इसके अंदर स्काई एज अ स्ट्रिंग डाल रहा हूँ तो ये पूरे को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दे रहा है, कैरेक्टर में कन्वर्ट करके बेसिकली ये जो अभी था ना कैरेक्टर एरे हमने प्ले के साथ किया वही स्काई के साथ होगा, ये यहाँ पे कैरेक्टर एरे बन गया 0, 1 एंड 2 के साथ, ठीक है। तो जब हम ऊपर गए, सबसे पहले तो हम ऊपर गए और यहाँ पे देखो 0 डाला हमने, वी पुट एफ 0, तो इस जगह पे अब इस क्वेश्चन में देखो इसको भी हटा देता हूँ, वी डोंट नीड दिस, एक्सप्लेन दिस टू यू। जब यहाँ पे मैंने ट्राई के अंदर जो ट्राई फंक्शन है इसके अंदर स्काई आया है इस तरीके से एज एन एरे आया है, रिमेंबर दिस, ये एक एरे आया है और इसके साथ 0 आया है, जब अंदर जाएंगे स्काई एज इट इज प्रिंट होगा, तो सेकेंड इसका जो सेकेंड पार्ट है ए पार्ट में ये प्रिंट हुआ, जो बी पार्ट है इसमें स्काई को हमने एज इट इज प्रिंट किया, फिर देखो भाई 0 था, कंडीशन तो 2 होगी कि 0 इज लेंथ देन 3 डिवाइडेड बाई 2, भाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इसकी लेंथ 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज वॉट 1, तो 0 इज लेस देन 1 कंडीशन इज 2, कंडीशन अगर ट्रू है हम वापस से अंदर जाएंगे और इस पोजीशन पे मतलब 0 1 एंड 2 पोजीशन पे जो टेम्प में आएगा वो ये आएगा, टेम्प के अंदर आ गया एस, ये एस उठ के आ गया, फिर इससे जो मिलेगा वो मिलेगा 3 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो एस और के अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे वापस चले जाके प्रिंट कर देंगे, तो स्काई एज इट इज प्रिंट हो गया और के एस वाई प्रिंट हो जाएगा,
ठीक है, के एस वाई प्रिंट हो जाएगा, के एस आई नहीं, के एस वाई. तो दैट्स हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क. ओके, इसलिए हमने देखो पूरा इसको कंप्लीट कर लिया. आई होप मैं आपको समझा पाया, दिस इज द प्रॉपर आउटपुट फॉर दिस क्वेश्चन. इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि भाई एक फंक्शन है टी की पावर क्यू बताता है और कुछ चीज़ें मिसिंग है इसमें, आप बताओ क्या क्या मिसिंग है. देखो हमें जो चीज़ स्टोर करनी होती है आर के साथ, देखो क्या हो रहा होगा, आगे आर को देखो, डबल आर इज इक्वल, हम कोई भी पावर फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे देखना है कि कौन सी वैल्यू सही से आएगी. ओके, तो मैं पूरा फंक्शन को एक बार रीड करता हूँ. डबल पी एन क्यू, मुझे पी की पावर क्यू चाहिए, ये निकालना है. इसका मतलब क्या होता है भाई, पी इंटू पी इंटू पी क्यू टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है, पी इंटू पी ये क्यू बढ़ गया है क्यू टाइम्स. ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए पहले, तो उसके बाद आप ये करोगे. तो पावर में ये कर लिया. अब देखो आर की जगह पे क्या आएगा, हमसे ये पूछा है, तो लेट्स सी. ठीक है, तो हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली क्यू टाइम्स. तो भाई जब मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आर मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे जो आपका आर होगा वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा कहीं ना कहीं. तो अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ना हमें आर की जो वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे जो हमें आर की वैल्यू लिखनी है वो 1.0 लिखनी है. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा था भाई 1 पे क्या आएगा, 1 पे आएगा 1.0. ठीक है, ये आ गया 1.0. तो द मोमेंट यू पुट 1.0, देन इन्होंने पूछा वहाँ पे क्या आएगा जो मिसिंग है सेकंड पोजीशन. तो सेकंड पोजीशन, अच्छा ये गलत छपी है, ये इसके अंदर छपी होनी चाहिए थी. हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो भाई सेकंड पोजीशन है हमें क्या मिलना चाहिए, ये फॉर लूप के अंदर होनी चाहिए, गलत मिसप्रिंट है थोड़ा सा. तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, वैल्यू एट सेकंड पोजीशन इज बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग व्हाट, वी आर मल्टीप्लाइंग आर बाय पी, है ना. बेसिकली मुझे आर के अंदर देखो वन था और बार बार इसके अंदर पी को मल्टीप्लाई करना, तो जो भी पावर पी की आ रही होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, लास्ट में अगर q की वैल्यू जीरो से बड़ी है, अगर q की वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी है, रिटर्न r करेंगे वरना वन अपॉर r करेंगे. तो थर्ड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन, ये q क्या है, ये पावर है, q क्या है, पावर है. तो अगर ऐसा होता कि लेट से पावर 1/2 होती, अगर 1/2 होती तो मैं क्या करता, 1/r, इसको वापस 2 करता और 1/p कर देता उसको, करेक्ट, 1/r हो जाएगा. तो सिंपली इस जगह पे थर्ड पोजीशन पे व्हाट वी हैव टू पुट, वी हैव टू पुट 1/r, दैट्स इट. एंड इस तरीके से हमारा सोल्यूशन पूरा हो जाएगा, क्लियर. अब भाई ये प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा ये सोल्यूशन इसका प्रॉपर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बुलियन पे है, सेक्शन है, मतलब पार्ट टू का सेक्शन है, दिस इज पार्ट टू सेक्शन है. आई गेस 15 मिनट्स अभी हुए एंड आई हैव सॉल्व्ड अराउंड एक पूरा सेक्शन. ठीक है, 15 मिनट्स में आप सॉल्व वन सेक्शन, तो आप भी आराम से आधे घंटे में कर सकते हो. इसको ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका उसका क्वेश्चन होता है ट्रुथ टेबल का. तो यहाँ पे आपको बस बनाना है भाई सी डी एफ एंड जी, सी डी एफ एंड जी. तो लेट्स मेक दैट टेबल बना लेते हैं, सॉरी एक टेबल बना लेंगे इस तरीके से. कितनी लाइन्स, 16 लाइन्स बनेंगी इसमें, 16 लाइन्स क्यों बनेंगी, यू नो बिकॉज चार वेरिएबल है और 2 की पावर 4 इज 16. आई डोंट नो भी 16 बनी है या नहीं बनी, वो बनाने के बाद पता चलेगा. तो ये सी डी एफ जी हमने यहाँ बना लिया और इसका एक आउटपुट आ रहा था. आउटपुट क्या आ रहा था, आउटपुट इन्होंने दिया x, दिस इज माई आउटपुट. ठीक है, आउटपुट है. तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, आई गेस हो गया, नहीं हुआ देखते भी, इसको लिख लेते 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. बहुत बढ़िया, एकदम सही बना. ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1. यहाँ पे भाई 4 times 0 हो जाएगा एंड 4 times 1 हो जाएगा. तो राइट मोस्ट वेरिएबल से हम शुरू करते हैं, देन इसको ऑल्टरनेटिवली 4 times 2 करते हैं, मतलब डबल करते रहते हैं एक तरीके से, और ये आपका बन जाएगा. एक्स पे आपको आउटपुट बताना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस. अब देखो क्वेश्चन को करते कैसे, ध्यान से समझो. तो टेबल आपकी हमेशा सेम बनेगी, अभी हमें 100 पॉज देखना ही नहीं है, अभी बात की बात है. अभी हम इतना देख रहे हैं कि व्हाट इज गिवन. तो बोला है पहला पॉइंट देखो, इफ सेंटर एंड फॉरवर्ड प्लेयर्स परफॉर्म वेल बट डिफेंडर्स डू नॉट परफॉर्म वेल. अब भाई सी का मतलब सेंटर था, डी का मतलब डिफेंडर्स था, एफ का मतलब फॉरवर्ड, जी का मतलब गोलकीपर. वेल कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यही पूछा है. तो इन्होंने बोला है सेंटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब सी का वैल्यू 1 होना चाहिए इसमें, एफ का वैल्यू 1 होना चाहिए इसमें, लेकिन साथ साथ डी का वैल्यू 0 होना चाहिए. डिफेंडर्स डू नॉट परफॉर्म वेल, 1 है मतलब परफॉर्म वेल करेंगे, 0 है मतलब परफॉर्म वेल नहीं करेंगे. तो सी 1 कहाँ पे है, ये लास्ट में है. डी 0 कहाँ पे, ये 4 है बस, है ना. सी के 1 के लिए डी के 0 4 है, समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ. कि भाई आप देखो
सिंपल सा ये चीज देखो, कलर चेंज कर लिया जाए। यप हाँ, तो मैं कह रहा हूँ देखो, सी के लिए वन यहाँ पर है, दिस इज सी के लिए वन, इस सी के कोरिस्पॉन्डिंगली डी यहाँ पे जीरो है और इस डी के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका वन है, तो इसी में आपको बस वन एंड वन आउटपुट देना है। तो ये जो तीनों कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई हो रही होंगी उसमें मैं आउटपुट दूंगा एंड उसमें ही ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो दिस इज सी के लिए वन, इसके लिए जीरो और इसके लिए वन, तो ये आपका वन वन यहाँ आ गया। तो पहली कंडीशन बस इतनी सी थी, इफ गोल कीपर एंड डिफेंडर्स परफॉर्म वेल, मतलब जी की वैल्यू वन होनी चाहिए, डी की वैल्यू वन होनी चाहिए, बट सेंटर प्लेस डू नॉट परफॉर्म वेल, सी की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू जीरो मतलब इन आठ में देखना है हमें, इन आठ में डी वन और जी वन देखना है, तो डी वन तो इन्हीं चार में होगा आठ में और जी वन इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे होगा और यहाँ पर होगा, दैट्स इट, है ना। तो बस हमने क्या देखा, पहले सी को जीरो देखा कहाँ कहाँ था, उसके कोरिस्पॉन्डिंग डी को वन देखा कहाँ कहाँ था, उसके बाद जी को वन देखना था इधर और इधर था, बस हो गया भाई खत्म। If all perform well, all perform well खाली इकलौता यहाँ पर है कि ये वन है, सारे के सारे वन होने चाहिए, तो ये आपके केसेस बन गए। जो बच गया है उसमें जीरो भरना है, जो बच गया है उसमें जीरो भरना है, दैट मीन जीरो 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 जीरो, एवरीथिंग इज जीरो नाउ, ठीक है। इन जीरो को भरने के बाद आपने ये कर लिया तो आपका आधा काम तो खत्म। इन्होंने बोला ट्रुथ टेबल बनानी थी और सॉप एक्सप्रेशन लिखना था, सॉप एक्सप्रेशन हम उसी का लिखते हैं जिसके आउटपुट में वन हो, जैसे इसके आउटपुट में वन है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा आपका देखो सी कॉम्प्लीमेंट डी एफ कॉम्प्लीमेंट एन जी, तो जहाँ पे आउटपुट बने उनके इनपुट्स को देखना है, जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट कर देना, वन है तो नॉर्मल रखना है, यहाँ पे देखो वन आया तो सी कॉम्प्लीमेंट डी एफ एन जी, यहाँ पे वन है सी डी कॉम्प्लीमेंट एफ जी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे देखो सी डी कॉम्प्लीमेंट एफ एन जी और लास्ट में सी डी एफ जी, तो ये आपने देखो सॉप टर्म्स मिन टर्म्स बता दिए। जब आपने मिन टर्म्स बना दिए तो आप आराम से यहाँ पे सॉप एक्सप्रेशन लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ सी डी एफ जी, सी डी एफ जी इज इक्वल टू, ठीक है सी डी एफ जी, क्योंकि हम सॉप एक्सप्रेशन लिख रहे थे तो वी कैन जस्ट राइट ऐसे जो लिखा था सी डी एफ कॉम्प्लीमेंट जी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी एफ जी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट एफ जी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट एफ एंड जी प्लस सी डी एफ जी, तो ये चीज़ हमने देखो कंप्लीट कर ली, पहला क्वेश्चन खत्म। ओके अब इसको रिड्यूस करना है, देन इसके लॉजिक गेट बनाना है, तो रिड्यूस करना इज़ वेरी वेरी आसान। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि रिड्यूस करना था आपको और कुछ करना नहीं था इसके बाद, तो रिड्यूस करने के लिए इसको ज़रा नीचे कर लें, ओके गेट इट। तो यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल बनेंगे देखो 4x4 का बनेगा, नो इश्यूज, ये आपका बन गया कुछ इस तरीके से, ये मैप बनाना था तो ये ओके मैप, ठीक है। तो इस साइड सी डी आ जाएगा, इस साइड एफ जी आ जाएगा, ये आएगा आपका सी डी सी डी सी डी सी डी, तो सॉप एक्सप्रेशन के लिए इधर कॉम्प्लीमेंट आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा, यहाँ पे एफ जी एफ जी एफ जी एंड एफ जी अगेन अगेन, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पे आएगा और लास्ट में आएगा, दैट्स इट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे बनाने थे, यहाँ नंबर्स फिल कर दो, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10, यहाँ से 12 13 15 एंड 14, तो के मैप बनाना आप सबको आता ही होगा, इस तरीके से मैंने बना लिया। अब इसमें नंबर्स कैसे फिल करें उसको देख लो, आसान है, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट छोटा सा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जहाँ जहाँ नंबर वन है वहाँ पर लिखो, जैसे 5 7 10 11 5 7 10 11, देखो मैंने यहाँ पे 1 1 फिल कर दिया, उसके बाद कहाँ पे है 5 7 10 11, देन एक ही बचा जो 15 पे जो यहाँ पर है, तो कुछ इस तरीके से मेरे को मिल रहे थे, ठीक है। दीज आर माई नंबर्स जो मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्वाड बना नहीं सकता, तो एक पेयर ये बन रहा था, एक पेयर ये बन रहा था और एक पेयर ये बन रहा था, दैट्स इट। तो यहाँ पे तीन पेयर का फॉर्मेशन हो रहा, ना कोई क्वाड बन रहा है ना कोई ऑक्टेट, कुछ नहीं, बस ये बन रहा था। तो जो फाइनल रिड्यूस एक्सप्रेशन आएगा, फाइनल रिड्यूस एक्सप्रेशन, यू कैन राइट फंक्शन ऑफ सी डी एफ जी, एफ पता नहीं एफ क्यों दिया, एफ बाहर भी हो रहा है, तो इक्वल्स टू, अच्छा एक्स है सॉरी, जो हम फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको एक्स करके लिखेंगे, क्योंकि आउटपुट हमारा एक्स है, ठीक है, आउटपुट हमारा यहाँ पे एक्स है, एक्स करके लिखना, वो मत कंफ्यूज होना। तो यहाँ पे देखो सी कॉम्प्लीमेंट डी एज इट इज रहेगा, सी कॉम्प्लीमेंट डी और यहाँ से जी आ जाएगा प्लस में, यहाँ पे डी एफ जी आ जाएगा, डी एफ जी और लास्ट वाले में सी डी कॉम्प्लीमेंट और एफ आ जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर।
तो ये आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद इनके वो बना लेना भाई, वो भी बना लेते। चलो क्या बनाएंगे, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट डायग्राम बनाना बड़ा आसान होता है। आपके जो वेरिएबल होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट दोनों ही मौजूद होते हैं एज एन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, एज एन इनपुट एंड आउटपुट। भाई सी कॉम्प्लीमेंट डी एन जी, फिर डी एफ एन जी, जो लिखा है उसको लिख दो, सी डी कॉम्प्लीमेंट एन एफ। ऐसा तो नहीं है कि नॉट गेट से बनाना है। ये एंड गेट से पास किया, इन तीनों को भी मैंने एंड गेट से पास किया, ठीक है, एंड गेट, और इन तीनों को भी ना मैंने एंड गेट से पास किया, तीनों को भी। फिर जो लास्ट आएगा इसको और गेट से पास कर दोगे, मतलब साथ में सम हो जाएगा, और जब आया आंसर उसको लिखेंगे एक्स ऑफ सी डी एफ जी। बस दैट्स इट, इतना कर दो आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। तो 10 नंबर का काम हम 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं बहुत बहुत ही आराम से, ठीक है। अगेन के मैप्स का क्वेश्चन है, पाई का क्वेश्चन है, तो इसको भी देखो भाई कैसे करना है। इसका भी लॉजिक डायग्राम बनाना है, और अज्यूम दैट द वेरिएबल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर प्रेजेंट एज द इनपुट। तो इनका देखो आसान है करना, फंक्शन ऑफ ए बी सी डी लिख के इसके मैप्स बना लेते हैं यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। तो 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7। आप पेंसिल स्केल से बनाना प्लीज, वरना गलती होने के चांसेस हो जाते हैं आपके। पेंसिल स्केल से सही से बनाना, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ए बी, ए प्लस बी एंड सी प्लस डी। ये आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी। तो इसमें हम वन पे कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा। सिमिलरली सी प्लस डी, C प्लस डी, सी प्लस डी एंड सी प्लस डी, दैट्स इट, ठीक है। अगेन इन तीनों चारों पे लगातार कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब हम नंबर्स भर लेते हैं। नंबर्स भरना आसान है भाई, 0 पे 0 भरना है, 1 पे 0 भरना है, 2 पे भी 0 भरना है, 3 पे भरना है, तो पहली वाली लाइन पूरी जाएगी। 4 पे, देन 6 पे, देन 9 इधर है, 11 एंड 13। ऑलवेज डबल काउंट कि आपने सही भरा है या नहीं भरा है। तो ये आपने कर लिया। देखो अगर क्वाड बन रहा होगा तो क्वाड ही बनाओगे, पेयर तब तक नहीं बनाओगे जब तक मजबूर ना हो जाओ। जैसे यहाँ पे बहुत छुपी छुपी चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा गलती कर सकते हो। गलती कैसे कर सकते हो, देखो मैं डायरेक्टली ना इनको एक क्वाड बना सकता हूँ। ये वाला क्वाड हमारा देखो सीधा सीधा बन रहा था, एक ये क्वाड बनेगा, एक ये वाला क्वाड बनेगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन वाला क्वाड बनाते वो एक रिडंडेंट ग्रुप हो जाता, तो दो क्वाड्स बन जाएंगे, दो क्वाड्स बन जाएंगे और सिर्फ एक पेयर, ये वाला पेयर बन रहा है क्योंकि इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, समझ लो। तो जो क्वाड वन आएगा पहला वाला, ये साइड वाला ले लो आप, तो यहाँ से देखो बी हट रहा है ए बचेगा, और यहाँ से सी हट रहा है डी बचेगा, तो ए प्लस डी आ गया। क्वाड टू देखो ज़रा यहाँ पे, इसमें देखोगे इसमें से ए हट रहा है बी बचेगा, और यहाँ से डी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। पेयर में लिखोगे तो भाई पेयर जो आपका आया है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ एक सेकेंड, जो पेयर आया है दैट पेयर इज सिंपली दिस वन। यहाँ पे बी हटेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है, और यहाँ पे प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। सो वट एवर यू गॉट, ये आपका फाइनल आंसर लिखते समय बस प्रोडक्ट कर देना, ए बी सी डी इज इक्वल्स टू ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, दैट्स इट। ये हो गया भाई, फंक्शन ऑफ ए बी सी डी इज फिनिश्ड। तो ये पूरे नंबर मिल गए। इसके बाद लॉजिक गेट बनाना इसका आसान है, जैसे मैंने ऊपर ऊपर एंड गेट बनाया, आप यहाँ पे और गेट बना लेना, तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो कर ही दें भाई आपके लिए, वरना आपको सर ने छोड़ दिया। ए डी बी एंड डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सी एंड डी कॉम्प्लीमेंट। तो भाई ए एंड डी को और गेट से पास करना था, हो गया। बी और डी को भी और गेट से पास करना था, ये भी हो गया। और लास्ट वालों को सबको और गेट से पास करना था, तो ये भी कर दिया। और जो फाइनल आंसर आएगा उसे हमें एंड गेट से पास कर लेना है, ये एंड गेट से भी देखो पास हो गया। तो आपका ये फंक्शन आ गया ए बी सी डी, फंक्शन ऑफ ए बी सी एंड डी, ये चार वेरिएबल का बन गया। अब यहाँ पे देखो दैट्स ऑल्सो वेरी इजी। देखो यहाँ पे ये वाई कॉम्प्लीमेंट है, वन पे क्या आएगा, ये है और गेट, और गेट मतलब एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पे ये जेड थोड़ा सा कट गया, आई गेस ये एंड गेट था, ये एंड गेट है, तो इसके अंदर एक्स जा रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है ना, एक्स गया इसके अंदर और जेड के अंदर, तो एक्स जेड हो गया। और जो भी थर्ड पे आया है यहाँ पे भाई कट गया ही, अच्छा नहीं कटा नहीं है, वेट ओके कटा नहीं है, सॉरी सही से लिखते इसको, हाँ
दिस इज एक्स एंड वाई, तो पहले पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, दूसरी पोजिशन पे आएगा एक्स डॉट जेड, तीसरी पोजिशन पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स डॉट जेड, ठीक है। और फंक्शन का लास्ट भी बताना था, हाँ फाइनली डराइव द, इसको डराइव भी करना है, डराइव मतलब इसके अंदर गया आपका जो यहाँ से आया था एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स जेड, और जो लास्ट में आ रहा है जेड कॉम्प्लीमेंट ये आके ऐड हो जाएगा, तो प्लस में जेड कॉम्प्लीमेंट आ गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ वी नीड टू ना वी नीड टू एक्चुअली सॉल्व दिस, वी नीड टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। तो सिंप्लीफाई करना आसान है, देखो एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट दिया था, एक्स जेड था प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट था, व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस एक्स इंटू एक्स जेड सिर्फ एक्स जेड होता है, और वाई इंटू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड होता है, एंड जेड कॉम्प्लीमेंट भी है। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, कभी सॉल्व ना हो तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। मैंने बस इधर उधर किया, ये जेड कॉम्प्लीमेंट था, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट डॉट में जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड, तो ये तो वन हो गया, आपके पास बचा एक्स प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड। अब ज़्यादा मेहनत ना करके इसमें एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लोगे तो वन प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड आ जाएगा प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट जो ये वाला बच गया, ठीक है ये हो गया। तो यहाँ से फाइनल आंसर एक्स प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द फाइनल रिड्यूस इक्वेशन। तो सिंप्लीफिकेशन इज ईजी, बस वहाँ पर लॉज लिख लेना जो आपको करने थे, ओके। यहाँ पे ये बोला है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब देखो आपको ना पूरी ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन दिया आपको, जो नंबर दिए हैं से वन दिया है, वन तो वन ही रहता है, वन का मतलब होता है जीरो 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 वन, ठीक है। वन का मतलब क्या होता है जीरो 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 वन। फिर थ्री है, थ्री का मतलब एक्चुअली थ्री, अब ये मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ समझना, ये होता है जीरो जीरो वन वन, ओके। अगर मैं इनको इनपुट्स मानूँ ए बी सी डी करके, नॉट ए बी सी डी, लेट्स कॉल देम एज आउटपुट वन, तो इसको एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर मान लेते, राइट, ये वेरिएबल्स हैं टेक्निकली। तो बेसिकली मैं ना एक ट्रुथ टेबल का क्रिएशन कर रहा हूँ, प्रॉपरली बनाते हैं, देखो एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड एफ फोर, और यू कैन टेक इन द रिवर्स ऑर्डर, राइट वाला एफ वन ले लो, सो ओके कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो नाम देना आप दे दो। ये हो जाएगा जीरो 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 वन, जीरो जीरो वन वन, देन फाइव है, फाइव को भी राइट इट एज जीरो वन जीरो वन, ठीक है, पाँच हो जाएगा। फिर नाइन सिक्स है, सिक्स आपका हो जाता है जीरो वन वन जीरो। तो ये कोरस्पॉन्डिंगली देखो इन गेट्स के मतलब इन उसके अंदर आ रहे हैं, इन इनपुट्स के अंदर आ रहे हैं, ये इनपुट के अंदर आना इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी देखना। नाइन को भी भाई नाइन ही लिखते हो, नाइन का मतलब होता है आपका वन जीरो जीरो एंड वन। देन जब ए आता है, ए का मतलब टेन होता है, इसलिए मैं बार बार ऐसे लिख रहा था। टेन का सिंपल सा भाई मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में कर दूँ, जीरो जीरो, ठीक है, टेन का मतलब होता है वन जीरो वन जीरो। देन यू हैव सी, ए बी सी यानी ट्वेल्व होता है, ट्वेल्व मतलब वन वन जीरो जीरो, एंड ई का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो 15 है, और 15 में सारे के सारे वन होते हैं। तो हमें ना इसमें पूरी ट्रुथ टेबल बनानी ही नहीं थी, जो हमने मैंने सिखाया आपको क्लास में वो पूरी की बनाई थी, लेकिन यहाँ पे आपको जितने नंबर बोले जाएंगे उतने आपको करने हैं। तो हमें ना इनपुट लाइंस बनानी है, वी हैव डन दिस क्वेश्चन पहले, बट वी आर गोइंग टू डू इट अगेन। हमें इनपुट लाइन बनानी है, कितनी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लाइन्स बना लीजिए यहाँ पे आप इस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच छ सात एंड आठ, ये आठ लाइंस आपकी बन गई, ठीक है। आठ लाइंस बनाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज दिस, कि इसमें इनपुट्स लिखने हैं, जो इनपुट एक बोलेंगे वही वाई वन थ्री फाइव सिक्स नाइन ए सी एंड ई, ये हमने इनपुट्स लिखे। इसके बाद इस तरीके से स्विचेस बना दो, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे स्विच बना दो ज़्यादा सही रहेगा, ये स्विच बना ली मैंने, ठीक है। स्विच मतलब जब आप ऑन करोगे तब ये ऑन हो जाएंगे। इसके बाद यू नीड टू मेक, जैसे ये हमने एफ वन एफ टू एफ थ्री डाला तो बस यहाँ पे वो बना देते हैं, यू जस्ट नीड टू मेक और गेट्स यहाँ पे, तो और गेट्स बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये पहला और गेट बन गया, इसको एफ वन बोला था हमने, तो दूसरा यहाँ पे दूसरा और गेट बन जाएगा, इसको एफ टू बोल लेंगे, फिर आपका ये तीसरा और गेट आ जाएगा एफ थ्री, एंड लास्ट और गेट ये एफ फोर हो गया, ठीक है एफ फोर। तो अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपका बन जाता है, यू जस्ट नीड टू ड्रॉप अ फ्यू लाइंस, ड्रॉप अ फ्यू लाइंस और कुछ भी नहीं। तो देखो वन का मतलब क्या है, जीरो 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 वन, एफ फोर में खाली लाइन आई है, तो जो ये आपकी सबसे पहले वाली वन वाली लाइन है इससे आप खाली एफ फोर में ड्रॉ करोगे और कहीं नहीं करोगे। तो जितनी भी वन वाली लाइन से खाली आप उनको ड्रॉ करना है और कुछ आपको करना नहीं है इसमें ज़्यादा। तो देखो थ्री से फाइव से नाइन और ई,
फाइव नाइन और थ्री से भी आया है, तो थ्री फाइव नाइन एंड ई, थ्री फाइव नाइन एंड ई, बस यहां से आपको लाइन्स इस तरीके से ड्रॉ करनी है। ये लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली। इसके बाद एफ थ्री में देखो कहाँ कहाँ से लाइन है, थ्री सिक्स ए एंड ई, थ्री सिक्स ए एंड ई, ठीक है। तो हम यहाँ से उल्टा भी ले सकते हैं, ई से हो गया, पहले थ्री ले जाते, थ्री सिक्स ए एंड ई, ये कर ली हमने इनकोडिंग, बस इतना सा काम है, सोच लो भाई इतना आसान है। फिर उसके बाद एफ टू में है फाइव सिक्स सी ई, यहाँ पे गया भाई फाइव में, यहाँ पे सिक्स में, यहाँ पे आपका ए में, देन आपका ई में, लो भाई बन गया। और लास्ट वाली लाइन, लास्ट की चार, चारों आ गई यहाँ पे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये वाला भी आएगा और ये वाला भी, दैट्स इट, हो गया भाई। तो हमने ये क्वेश्चन जो पांच नंबर का था कितने ईज से कर लिया। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, इट्स जस्ट ऑल्सो स्टेट द बाइनरी इक्विवेलेंट, तो सारा का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया और एनकोड भी कर लिया। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना था एंड सॉल्व कर लेना, ओके। तो ये क्वेश्चन डन। अब इसका देखो सेकेंड पार्ट देखो, वेरीफाई द फॉलोइंग इफ प्रोपोजिशन इज वैलिड यूजिंग द ट्रुथ टेबल। तो यू हैव थ्री इनपुट्स ए बी एंड सी, यू नीड टू फाइंड बी सी, यू नीड टू फाइंड ए इम्प्लाइज बी सी, ये मैंने एल एच एस कर लिया। देन आई नीड टू फाइंड ए इम्प्लाइज बी, देन आई नीड टू फाइंड बी इम्प्लाइज सी, देन आई टू प्रोटेक्ट दिस। देखो ये एक्स है ये वाई, आपकी कॉपी में कम जगह होती है, तो यहाँ पे मैं एक्स इंटू वाई इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। ये एक्स को डिनोट कर रहा है, वो वाई को डिनोट कर रहा है, दैट्स इट, जस्ट राइट इट, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, डबल जीरो डबल वन डबल जीरो डबल वन, चार बार जीरो एंड अगेन चार बार वन आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद b इंटू सी, यहाँ पे b इंटू सी था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, राइट। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे देखो जीरो 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 वन जीरो 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 वन, मल्टीप्लीकेशन ही था और कुछ नहीं। a इम्प्लाइज bc, मतलब पहला देखो इम्प्लीकेशन में ये होता है कि कभी भी ऐसा कुछ मिले तो आउटपुट जीरो है, वरना हर केस में वन होगा, हर केस में वन होगा, सिर्फ इस वाले में जीरो है। तो देखो ये स्टार्टिंग के जीरो थे, मतलब यहाँ सबका आउटपुट वन हो जाएगा, यहाँ पे सबका आउटपुट वन, यहाँ ध्यान देना, वन जीरो इज जीरो, वन जीरो अगेन जीरो होता है, वन जीरो इज अगेन जीरो एंड वन एंड वन इज वन, ये आ गया। ए इम्प्लाइज बी निकालेंगे तो देखो ये सारे वन वापस से हो जाएंगे, ये सारे के सारे वन हो गए। वन इम्प्लाइज जीरो, इसको देख रहे हैं इन दोनों को, वन एंड जीरो को, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया। बी इम्प्लाइज सी, तो दिस इज पहला जीरो इम्प्लाइज जीरो, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, ठीक है, दिस इज जीरो एंड देन वन इम्प्लाइज वन इज वन ओनली, जीरो इम्प्लाइज जीरो इज वन, दिस इज वन, दिस इज जीरो, दिस इज वन। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वन वन जीरो वन जीरो 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 वन आ रहे हैं, तो कहीं से भी ये और ये इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे ये नॉट वैलिड एक्सप्रेशन है। हमने ट्रुथ टेबल बनाई और चेक किया कि एल एच एस आर एच एस के बराबर है या नहीं है, जो कि नहीं है इस केस में, देयर फोर आर एक्सप्रेशन इज इनवैलिड, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था भाई, हाउ इज इट टू टू फोर। अच्छा एक क्वेश्चन ये रह गया था, इफ ए इक्वल्स टू वन एंड बी इक्वल्स टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, भाई ए की वैल्यू वन है तो वन कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो प्लस वन इंटू जीरो, आंसर इज जीरो, तो आंसर इसका जीरो आ रहा है और कुछ नहीं, खत्म क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द टू 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 फोर डिकोडर रिलेटेड टू फोर टू वन मल्टीप्लेक्सर। तो थर्ड पार्ट का आंसर आप बड़े सिंपल तरीके से लिख सकते हो, द आउटपुट्स ऑफ टू टू फोर डिकोडर कैन बी इज यूज, नॉट कैन बी इज यूज एज इनपुट लाइन फॉर फोर टू वन मक्स। मक्स मतलब आपका मल्टीप्लेक्सर, बस इतना सा आप यूज कर लो, लिख दो काफी है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। भाई ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, मतलब पूरा का पूरा हमने सेक्शन ए खत्म कर दिया। सेक्शन बी यहाँ से चालू है, सेक्शन बी में देखो प्रॉपर प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम में ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, सिर्फ आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्यों लिख के रखा है, क्योंकि भाई टाइम बहुत लगता है उसको लिखने में, समझाने में, मैं समझाता हूँ कि करना क्या है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में जो भी बोला गया हमें क्या बोलना था, पहले नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके जो नंबर ऑफ वंस हैं वो काउंट करने। तो एक हमने ना ये कर लिया, ये करने के बाद ये देखना है नंबर ऑफ वंस अगर इवन होते, नंबर ऑफ वंस अगर इवन होते तो वो इवन नंबर है, वरना वो इवन नंबर नहीं है, वो हेवनली नंबर है, कुछ भी नंबर बोल दो। तो यहाँ पे आपको देखो जो लिखा है उस तरीके से लिखना शुरू करना है,
ये मैंने इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक क्यों लिखा है, इट्स सिंपल भाई, यूटिल डॉट स्कैनर लिखो, यूटिल डॉट एस्ट्रिक लिखो, सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास का नाम जो इन्होंने बोला है आपको वही देना है, अपने मन से मत करना। जो भी ये वेरिएबल होते हैं नम और बिन, उनको हमने लिख लिया। नम कैसा वेरिएबल था, एक इंटीजर नंबर था, टू स्टोर द बाइनरी इक्विवेलेंट। बिन हमसे कोई भी इन्होंने नहीं बोला कि इसी फॉर्म में लो, तो मैंने ना स्ट्रिंग ले लिया। स्ट्रिंग लेने से हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट वैल्यू नम की जीरो दी, वी कैन ऑल्सो गिव द वैल्यू ऑफ बिन, ये खाली। तो कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है जो आप वैल्यू दे रहे हो, मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल लिख रहे हो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू देना। इसके बाद वो ये कर लिया, फिर void except num, इसी के अंदर हमने स्कैनर वाली लाइन लिखी, स्कैनर वाली लाइन लिखी एंड स्कैनर SC लिखो, जो भी लिखो तुम्हारे ऊपर है, यहाँ हमने नंबर इनपुट करा दिया। ये लाइन का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी नेगेटिव नंबर गलती से इनपुट करा दे रहे हो तो वापस आपको इनपुट कराने को मौका मिले। इट्स काइंड ऑफ अ रिकर्शन बट नॉट एग्जैक्टली, हम बेस केस के अंदर रिकर्शन कर रहे हैं। तो तब तक रन होगा जब तक इनवैलिड इनपुट देते रहोगे। तो दिस अ वेरी गुड थिंग, ये आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हमने ना इनपुट हमने कन्वर्ट किया इसको बाइनरी फॉर्म में। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने इस तरीके से कन्वर्ट किया कि एक कैरेक्टर लिया, देखो कैरेक्टर 0 प्लस एक्स मॉड 2। अब एक्स जो है आपका वो कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे कि भाई हमने 1010 बोला था या 1011 ले लो, फॉर एग्जांपल 1011। ठीक है, एक्स यानी कि 11 है, एक्स आपका क्या 11 है, एक्स आपका ओरिजिनल नंबर है ना, या एक्स आपका क्या है ओरिजिनल नंबर है जो हम अभी इनपुट कराएंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे वैल्यू 11 डाली, यहाँ पे हमने देखा क्या 11 जीरो से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अंदर गए, हमने तुरंत इसको रन करा दिया, हमने तुरंत रन करा दिया कि ठीक है इसको वापस से डिवाइड करो। कितनी बार ये डिवाइड हुआ है वो बिन में बस ऐड होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमें यहाँ पे मतलब वो बाइनरी में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद चेक करना था, चेक करने के लिए हमने ओरिजिनल नंबर को देखो यहाँ पास किया, जो नम हमने इनपुट कराया था इस जगह पे, नम हमने इनपुट कराया था वो यहीं पे पास किया, तो रिकर्जन होके वो स्टोर हो गया बिन में, रिकर्जन होके वो बिन के अंदर स्टोर हो गया। अब मैं बिन का यूज़ करके उसका यूज़ कर सकता हूँ। बिन एक स्ट्रिंग वेरिएबल था तो उसकी लेंथ निकाली, बिन डॉट लेंथ उतनी बार ही चलेगा जितनी उसकी लेंथ होगी। फिर एक एक करके मैंने डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया, डिजिट मतलब उसका जीरो है या वन है। तो जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया, अगर वन है तो काउंट ऑफ वंस को मैंने ऐड कर दिया, इसको आप एफ प्लस प्लस करो जैसे करो ये कर दिया। इसके बाद अगर काउंट वन जो यहाँ पे ऐड हुआ था, फॉलो देखो बंद हो गया, अगर वो टू से डिविजिबल है, मतलब कि इवन जो वन है वो इवन टाइम इनपुट हुए हैं, तो वो इवन नंबर है वरना नहीं है। इसके बाद मेन फंक्शन करके मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के बाद आई जस्ट कॉल्ड ऑल द फंक्शंस एंड दैट इज इट। ये फंक्शन इस तरीके से है, ये कोड आप एक बार रन कराना, मेरा तो ब्लूजे टेस्टेड है, रन हो रहा है आराम से। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या डाउट है, बाकी आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। बाकी दिस इज़ ऑल ईजी प्रोग्राम, प्रोग्राम्स ईजी ही आते हैं, बस आपको ये प्रॉब्लम देगा रिकर्शन। तो रिकर्जन से डरने का नहीं है, समझने का है, आराम से समझ में आएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कॉम्पोजिट एरे वाला। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम और एन के हमारे नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, ये चीज़ें। और कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है, जिसके दो फैक्टर से ज़्यादा हों। तो पहला कॉम्पोजिट नंबर आपका 4 होता है, 1, 2, 3 दे आर नॉट कॉम्पोजिट नंबर, ये दोनों प्राइम है, ये नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो हमारा जो पहला कॉम्पोजिट नंबर आएगा वो 4 आएगा, तो फिलिंग जो शुरू होती है ना वो 4 से ही शुरू होगी। आगे देखो, एक एरे बनाना था ARR नाम से, वो हमने क्रिएट कर लिया, फिर एम और एन जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स थे वो क्रिएट कर लिए, और इन्होंने पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर की यहाँ पे बात की है। जब भी पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, हमें कोई भी एक्सेप्ट फंक्शन नहीं दिया रहेगा, डायरेक्टली इसको इस तरीके से करना है। और एरे देखो ऐसे क्रिएट किया था, उसके बाद जब मैं उसमें रोज एंड कॉलम्स डिफाइन कर रहा हूँ, मैं दोबारा ये नहीं लिखूंगा कि ये ब्रैकेट्स हैं, आई जस्ट राइट ARR इक्वल्स टू न्यू INT MN। तो यहाँ पे एम क्रॉस एन का आपका एक एरे क्रिएट हो जाए। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने ये फंक्शन है प्राइवेट लिख, तो पब्लिक INT इज कॉम्पोजिट लिखो, ठीक है प्राइवेट लिखो, जो तुम्हारे मन करे वो करो। बट ये एक फंक्शन है जो क्या करेगा, चेक करेगा कि P हमारा कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं। P कोई भी हो सकता है। अब देखो P अगर 4 है, P अगर 4 से छोटा है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, तो बाय डिफॉल्ट ना कॉम्पोजिट नंबर तो नहीं है, तो रिटर्न 0 कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये चेक किया कि प्राइम नंबर तो नहीं है। प्राइम नंबर का ये फॉर्मूला होता है, ये प्रोग्राम होता है, हमने ऑलरेडी कर रखा है कि स्क्वायर रूट तक जाना है और अगर डिविजिबल है तो प्राइम है। ठीक है, तो नॉट डिविजिबल का हमने रिटर्न वन कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बहुत आराम से, एल्स रिटर्न 0। अगर प्राइम नहीं मतलब कॉम्पोजिट नहीं होगा तो रिटर्न 0 हो जाएगा। तो इन एनी वेज अगर प्राइम वो कॉम्पोजिट होगा तो रिटर्न 1 होगा, वरना रिटर्न 0 होगा। इसके बाद हमने फिल करना शुरू किया और बोला इस कॉम्पोजिट नम इज नॉट इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे चेक किया था है ना कि भाई ये कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन अगर वो नहीं हुआ
तो हमें उस नंबर की जरूरत नहीं है, वी नीड टू इंक्रीज दैट नंबर। शुरू कहाँ से, फोर से शुरू है, फोर पहला नंबर है उसको हम फिल कर देंगे, तो फिल होगा जैसे नम ए आई आई जे में और नम प्लस हो गया। इन केस जैसे फाइव आया वो कंपोजिट नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, वो सिक्स हो जाएगा, यहाँ जाएगा ही नहीं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देन बाहर आया उसने सिक्स फिल किया, फिर सेवन हो गया, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। एक बार फिल हो गया तो हमें डिस्प्ले कराना था, तो डिस्प्ले फंक्शन उन्होंने दिया, डिस्प्ले कर दिया, और वॉइड में इंस्टेंस आपको कॉल करना था तो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। मैंने एक सैम्पल दिया, इसमें आप अलग से इनपुट भी कराओ, कुछ भी कराओ, एंड दैट्स इट। ठीक है, दैट्स हाउ यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन था और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, पर आसान क्वेश्चन था। तो इन्होंने देखो हमने क्या बोला था कि कभी भी इनकोडिंग आए तो उसके अगल बगल वाला कर दो। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाया, जैसे कर रहे थे कंस्ट्रक्टर बनाना आसान है, वर्ड को इनपुट कराया। ठीक है, वर्ड को इनपुट कराया, अब पहले ही लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब लोअर केस में क्यों कन्वर्ट कर दिया है, लोअर केस में टर्म ने इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हम आराम से सॉल्व कर पाए, जरूरत नहीं थी इसका। एक और मैंने ऑल्टरनेट प्रोग्राम बना रखा है, तो अगर वो भी चाहिए आपको वो बताना, वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, फिर हमने वॉवल सर्च किया, जहां से वॉवल मिला उसका मैंने अगला कर दिया, तो नेक्स्ट क्या क्या आता है, माइनस ए, मतलब उसका एस्काई कोड माइनस करके प्लस वन मॉड फाइव प्लस ए, मतलब बेसिकली हम वॉवल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, अगला हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंक्रिप्शन में हम नया वर्ड में जो न्यू वर्ड हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया था उसमें बेसिकली कैरेक्टर को हम लोग ऐड करते गए। ठीक है, कैरेक्टर को ऐड करते गए। देखो ये बहुत ही डायरेक्ट फॉरवर्ड में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सोल्यूशन मैं आपको सामने दे रहा हूँ, यू कैन ट्राई इट, रन इट विथ योर सेल्फ, आराम से समझ में आएगा। इसके बाद देखो स्ट्रिंग आर्ग्स लिखने की आपको यहाँ जरूरत नहीं थी, स्ट्रिंग आर्ग्स की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे इनकोड ओ बी क्वेश्चन इनकोड, हमने एक कंस्ट्रक्टर वो बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से सारे फंक्शंस को कॉल किया, एंड दैट्स इट। तो ये जो बोलते रहे उसके हिसाब से बस करते रहो और ये बुद्धि अपनी लगा लो। इसका मैं आपको ऑल्टरनेट सोल्यूशन यहाँ पे अभी बता दे रहा हूँ कि कैसे होगा। तो नेक्स्ट वॉवल है विदाउट इवन लाइक कन्वर्टिंग इन टू द लोअर केस, आपने ना आपने एक एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे एक्सट्रैक्ट किया नेक्स्ट वॉवल पे जाने के लिए व्हाट वी विल डू इज कि इफ, देखो हम यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत सारी यूज कर सकते थे। इफ जो तुम्हारा करंट कैर है, यहाँ पे हम बेसिकली सी एच भी अगर ले लें मेरा काम हो जाएगा। करंट कैर नेक्स्ट कैर इज जस्ट यूज्ड कि आपको समझ में आए कि वो वेरिएबल कर क्या रहा है। ठीक है, तो अगर मैं करंट कैर की जगह सी एच ले लूंगा, सी एच में एक्सट्रैक्ट हुआ, मानो वो वेरिएबल निकला, किस टाइप का वेरिएबल वो पता होना चाहिए। देखो अगर वो सी एच ए आया है, वो सी एच को हमें क्या कर देना, इफ सी एच इज इक्वल इक्वल टू ए, जो तरीका है वो ये है, इफ सी एच इज इक्वल इक्वल टू ए और सी एच इज इक्वल इक्वल टू स्मॉल ए, करेक्ट। ये अगर चीज है जो भी लोअर केस अपर केस में, तो हमें इसको ई करना है, मतलब बेसिकली एक स्टेप आगे बढ़ाना है। ऐसे हम पांच छह कंडीशन लगाएंगे, उससे बेटर ये जो लाइन लिखी है वो मैंने लिखी है, इस लाइन को एक बार समझना, करना नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से करना था। हाँ, इट इज टाइम टेकिंग फॉर दिस पार्ट, बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दिस सेक्शन सी। ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन स्टैक का। ठीक है, स्टैक का क्वेश्चन है, तो स्टैक कैसे पता मुझे स्टैक का ही है, नहीं स्टैक करनी है, मे बी स्टैक करना हो, देखते हैं। एरे टू होल्ड डेसिमल नंबर, हमें यहाँ पे डेसिमल नंबर का करना था, तो डबल लिया, याद रखना डबल लिया है। और लिमिट इज द मैक्सिमम लिमिट, तो मैक्सिमम लिमिट के लिए एक ले लिया। फ्रंट और रेयर, जहाँ पे फ्रंट और रेयर इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे क्यू होता है, फ्रंट और रेयर इन्वॉल्व तो क्यू है, और ये आपका फीफो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो इन्होंने जो चीज़ बोली थी बस मैंने कर दिया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जहाँ लिमिट को एन डिफाइन किया, फ्रंट को जीरो रेयर को जीरो, एग्जैक्टली व्हाट दिस इज। ठीक है, और जब मेरे को वैल्यू को इनपुट करना होगा तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ void push val double v, एग्जैक्टली वही लिख दिया और कुछ लिखा नहीं है, बस इतना देखो जब रेयर प्लस वन मॉड लिमिट इज इक्वल इक्वल टू फ्रंट है, इसका देखो मतलब क्या है बेसिकली कि अगर आप इसमें इनपुट करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें अगर इनपुट करने की कोशिश कर रहे हो, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट था, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये था, आप इस जगह ये लिख सकते हो इफ रेयर इज रेयर प्लस वन इज इक्वल इक्वल टू, और यू कैन से इफ रेयर इज इक्वल इक्वल टू लिमिट, देन यू कैन से शेल्फ इज फुल। ये ज्यादा बेटर स्टेटमेंट है, यू कैन राइट इफ रेयर इज इक्वल इक्वल टू लिमिट, आप कहोगे शेल्फ इज फुल। ये कंडीशन थोड़ी चेंज कर लेना, यहाँ पे शेल्फ फुल हो गया, अगर फुल नहीं है तब आप इनपुट कर सकते हो रेयर में, तो यहाँ पे हमने इनपुट करके ये कर दिया रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन। अब ये लिमिट हम मैंने क्यों डिवाइड किया है, इसलिए डिवाइड किया कि कभी कभी ना पूरा खाली हो जाता है, खाली होने से क्या होता है
जब ओवरफ्लो होता है, जब आप 10th एलिमेंट कर रहे हो तभी वो एम्प्टी दिखाएगा. तो दिस इज एन ऑप्टिमाइज्ड कोड, दिस इज बेसिकली एन ऑप्टिमाइज्ड कोड. ये बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज्ड कोड है आपके लिए. और जब आपको निकालना होगा और ये देखना है कि फ्रंट रेयर है, कभी भी एक ही एलिमेंट बचा है, तो हमें क्या करना है, -9 ये दिया है क्वेश्चन में, बस वो आउटपुट दे देना है. वरना पॉप्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्रंट से निकालेंगे, और अगर फ्रंट की वैल्यू वापस से चेंज कर देंगे, रेयर प्लस वन एंड फ्रंट प्लस वन होगा. दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेटेड आउटपुट. ठीक है, फिर आपको वर्ड डिस्प्ले कराना है शेल्फ एलिमेंट्स. अगर देखो इंडेक्स फ्रंट से शुरू है, इंडेक्स रेयर बराबर नहीं है, तब तक हमें एलिमेंट प्रिंट करना है, वरना एलिमेंट प्रिंट नहीं करना है. तो ये आपको प्रॉपर फॉर्मेटेड आउटपुट एक मैं दे दे रहा हूँ, इस तरीके से कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग यहाँ पे लाइव सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझाना था अच्छे से. समझो, अ सुपर क्लास सर्कल हैज बीन डिफाइंड. ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इनहेरिटेंस का क्वेश्चन इसको हम कहते हैं. इनहेरिटेंस में भाई गलती मत करना, बड़ा आसान सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इनहेरिटेंस करते हैं. तो सुपर क्लास सर्कल हैज बीन डिफाइंड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल, डिफाइन सब क्लास वॉल्यूम. तो ये डिफाइंड है, इन्होंने बोला ये बेटा करना नहीं है, ये करना ही नहीं है, भूल जाओ इसको, कुछ है आपको वॉल्यूम डिफाइन करना है और ये सब उसके हैं. तो आपको बस इतना लिखना है बेटा, क्लास वॉल्यूम से क्लास वॉल्यूम, ऊपर वाला यूज करने के लिए वी यूज अ कीवर्ड नोन एज एक्सटेंड्स, और जो भी ऊपर वाली क्लास है वो लिखना है. इनहेरिटेंस का काम ही यही है कि आपको ऊपर वाला लिखना नहीं, बस ये लिखना है. इसके बाद जो इसमें दिया है, टू स्टोर द हाइट ऑफ द सिलेंडर डेसिमल, टू स्टोर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डेसिमल्स. तो डबल जो भी वेरिएबल इन्होंने, हाइट ऑन वॉल्यूम, HEIGHT कॉमा वॉल्यूम, पूरा पूरा इन्होंने लेटर दिया है. और ये स्मॉल वॉल्यूम है, वो कैपिटल वी था, ये स्मॉल वी था, तो कंफ्यूज मत होना. ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे आपके साथ खेलते हैं ये लोग, क्योंकि आपको लिखवाएंगे पब्लिक वॉल्यूम कैपिटल वी के साथ, और यहाँ बोलते हैं इस तरीके से डॉट डॉट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्शन टू असाइन वैल्यूज टू डेटा मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस. इसमें ये डेटा मेंबर्स थे, इसमें ये डेटा मेंबर्स थे, बट यहाँ पे हम एरिया को देखो कैलकुलेट कर रहे हैं. वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया, सो वी आर नॉट गोइंग टू असाइन एनीथिंग टू दिस, वी आर गोइंग टू असाइन रेडियस में खाली. तो डेसिमल में करना है, तो जस्ट राइट डबल, इस वेरिएबल से मिलता जुलता बट डिफरेंट करना, तो डबल आर लिख देंगे. इसमें भी ना हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, इसके अंदर भी हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है. तो वी आर नॉट गोइंग टू इनपुट वॉल्यूम, वी जस्ट नीड टू इनपुट एच, तो डबल का एच लिख दोगे, दैट्स इट. इतना आपको करना था. इसके अंदर जाओगे और इसके अंदर आप लिखोगे सुपर, और यहाँ पे लिख दोगे आर. इकलौता वेरिएबल है जो ऊपर हमें भेजना है, इकलौता वेरिएबल है जो हमें ऊपर यहाँ पे भेजना था, और आर लिख दिया. अब देखो जो यहाँ पे एच है, ये एच है ना हाइट के लिए, तो एच को आपको इनिशियली 0.0 रखना था, और इसका जो वॉल, सॉरी ये जो एच है ना, ये हाइट के अंदर आपको एच डाल देना था, हाइट इज इक्वल टू एच, और जो ये स्मॉल वॉल्यूम है इसको 0.0. तो जो कैलकुलेशन करते हैं उसको 0.0 रखते हैं, और जो इनपुट कराते हैं उसको ऐसे. तो इस बेसिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर आप वैल्यू को इनपुट करा रहे होंगे. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद यू जस्ट हैव टू राइट पब्लिक डबल कैलकुलेट. पब्लिक लिखो, प्राइवेट लिखो, कोई बात नहीं, यहाँ पे नंबर मिल जाते हैं. पब्लिक डबल कैलकुलेट. So once you write the calculate function to calculate return the volume of a cylinder using the formula pi r square h, where r is the radius and h is the height. अब देखो pi r square h की जगह मैं यहाँ पे pi r square ये वाला यूज कर सकता था. तो जो एरिया ऑलरेडी आ चुका है मेरा, जो एरिया में स्टोर है, उसका मैं डायरेक्टली यूज करूंगा. तो देखो pi r square h में pi r square एरिया है, और h मेरे पास एक्स्ट्रा है. तो जब भी मैं कैलकुलेट फंक्शन यूज करूंगा, अपनी वॉल्यूम लिखूंगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू एरिया इंटू द हाइट. एरिया इंटू द हाइट, हाइट के लिए इन्होंने हाइट वेरिएबल ही दिया था. ये ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने पूरा पाई आर स्क्वायर एच नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी वो मैं सुपर क्लास में कैलकुलेट कर चुका था. तो वट एवर आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, आई नीड नॉट टू कैलकुलेट अगेन. आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, हो गया भाई खत्म, बस इतना सा था. वॉइड डिस्प्ले करना है, तो पब्लिक वॉइड. बाय द वे इन्होंने डबल बोला है, और डबल जब बोलते हैं तो रिटर्न वॉल्यूम कर देना मेरे बच्चों, रिटर्न, एक सेकेंड. अच्छा वॉल्यूम है, तो देखो बेटा यहाँ पे मैं वॉल्यूम यूज नहीं कर सकता. क्यों नहीं यूज कर सकता, आई नीड टू यूज डबल वी वी. अब ये मैंने क्यों लिखा, क्यों मैं वॉल्यूम यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई रिटर्न चीज कर रहा हूँ, कोई चीज रिटर्न कर रहा हूँ तो कोई कैलकुलेट करेगा ना जाके उसको. तो रिटर्न वी वी लिखेंगे. अब इसके बाद देखो मैंने वी वी लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो. तो पब्लिक void display, while writing public void display आपको इसका जो यहाँ पे रिटर्न कराया था इसको कैच करना पड़ेगा. तो जस्ट राइट वॉल्यूम इज इक्वल टू वी. तो अगर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ही रिटर्न करा था तो वॉल्यूम में थोड़ी ना कैच करता उसको, इसीलिए कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने ले लिया. एरिया कौन सा था, वो सुपर क्लास का वेरिएबल था, हाइट इस क्लास का वेरिएबल था, दोनों से यूज करके आई जस्ट पुट इट डाउन हियर.
देन आई नीड टू डिस्प्ले सुपर डॉट डिस्प्ले, जो सुपर क्लास का डिस्प्ले फंक्शन, देखो इसको भी डिस्प्ले कराना होता है हमें, सुपर डॉट डिस्प्ले लिखोगे, दिस डिस्प्ले इज द सुपर क्लास का फंक्शन, एंड देन आप लिखोगे इसका डिस्प्ले वाला, तो यहाँ बस लिख देना एस ओ पी एल एन सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन, तुम्हें पूरा लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर ना वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर, ने कुछ नहीं बोला तो वॉल्यूम इज इक्वल टू प्लस में वॉल्यूम, दैट्स इट, दैट्स इट, वॉइड डिस्प्ले खत्म, ये आपका क्लास खत्म, प्रोग्राम खत्म, इतना सा पांच नंबर के लिए आपको करना था, दिस मच इज डन फॉर फाइव नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्स्टेंट फैक्टर इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो बेटा, जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आएगी और आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फैक्टर की बात पूछी गई है, तो आपको देखो सिंपल सा ये लिखना है कि एक सेकेंड, या ओके सो देखो भाई, इसका सिंपल सी डेफिनेशन में यहां पर आपकी स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं, दिस इज द, ये आपका कॉम्प्लेक्स फैक्टर का डेफिनेशन यहां से आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन कहाँ से आया आप सबको पता है, तो डेफिनेशन इतना याद करने की, बस थोड़ा बहुत डेफिनेशन याद कर लेना कॉन्स्टेंट फैक्टर की, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके ये भाई डेफिनेशन यू कैन जस्ट क्रॉस चेक, बस क्रॉस चेक कर लेना, ऐसे सही है। कॉन्स्टेंट फैक्टर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जो ये लिखा है उसका मीनिंग समझा दे रहा हूँ। तो कॉन्स्टेंट फैक्टर इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिफर्स टू द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई, तो बेसिकली हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, वी इग्नोर, क्योंकि इट डजेंट अफेक्ट, इट डज नॉट अफेक्ट, ठीक है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है, जो आपका ऐसे बिग नोटेशन होता है ओ एन स्क्वायर होता है या ओ एन होता है, दिस अफेक्ट्स योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हो ओ ऑफ के, दिस मीन्स नथिंग, एक्चुअली इट डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल ग्रोथ रेट और द टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम, तो दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट फैक्टर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम डायग्नो बाइनरी, देखो बाइनरी ट्री में ये सब नोट्स कहलाते हैं और जो बाहर के नोट्स होते हैं वो बाहर के एक्सटर्नल नोट्स कहलाते हैं। इन्होंने देखो ये साइड राइट सब ट्री होती है, लेफ्ट सब ट्री होती है, और ये रूट होता है, जहां से चीज शुरू होती है वो रूट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेम द एक्सटर्नल नोड्स ऑफ द राइट सबट्री, तो ई और एच जो एग्जैक्ट सबसे बाहर है वही आपका एक्सटर्नल नोड होगा, ई एच। स्टेट द साइज एंड डेप्थ ऑफ द ट्री, साइज मतलब कि भाई डेप्थ मतलब एक दो तीन चार, तो तीन डेप्थ है इसकी, लेवल हाइट बोलो या डेप्थ बोलो सेम चीज है। तो साइज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स, 1 2 3 4 5 6 7, साइज इज 7 एंड डेप्थ इज 4, ठीक है। डेप्थ कैसे आती है, लेवल वाइज डेप्थ आप 0 to 3 भी बोल सकते हो, ऐसे बोल लो कि भाई डेप्थ है आपकी 0 to 3 तक। राइट द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्सल का मतलब ये होता है कि लेफ्ट रोड, लेफ्ट राइट देन नोड, हमें सबसे पहले लेफ्ट जाना है देन राइट जाना है, नोड एकदम आखिरी में करना है, तो ये होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्सल। देखो भाई पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल्सल वर्क कैसे करता है, आप यहाँ पे एंटर किए, अगर इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करते तो पहले लेफ्ट पे जाओगे, अभी भी इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करते तो लेफ्ट पे जाओगे, तो लेफ्ट पे हम आ गए, हमने डी लिख दिया, तो ठीक है सबसे पहले। अब लेफ्ट के बाद इसका राइट, जब लेफ्ट लिखा है राइट भी लिखना, राइट में कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट राइट देन नोड लिख दोगे, तो बी लिख दोगे। अब आपका देखो ए का लेफ्ट साइड खत्म हो गया, ए का लेफ्ट साइड खत्म, तो अब ए के राइट साइड पे फोकस करेंगे। तो जैसे मैं ए के राइट साइड पे आया, मैंने देखा ए के राइट में एफ था और एफ के लेफ्ट में कुछ नहीं था, जब एफ के कुछ नहीं था तो राइट में आओगे, राइट में जी मिला, जी के भी लेफ्ट में ई है, तो यू नीड टू राइट सबसे पहले ई, देन इसके राइट वाली वैल्यू विच इज एच, देन दी नोड, देन इस पे आएंगे, तो ई हो गया, एच हो गया, देन जी आएगा। अब जब ये पूरा हो गया, एफ का राइट खत्म, लेफ्ट था नहीं राइट खत्म, अब आप एफ लिखोगे, अब ए का जो लेफ्ट था वो भी खत्म हो गया, ए का जो राइट था वो भी खत्म हो गया, अब ए को लिखोगे, तो ये होता है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। तो इसी के साथ हमने देखो पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया बहुत ही अच्छे से, मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं, कोई भी स्किप नहीं किया। मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा कि इनहेरिटेंस और स्टैक वाला करना बाइनरी ट्री में, ये जो दो नंबर का क्वेश्चन आता है, अभी तक लिंक लिस्ट आता था लेकिन अब इन्होंने ये वाले क्वेश्चन देने शुरू किए हैं। ऑल्दो अगर इजी लगे तो बिल्कुल करो, वरना इनहेरिटेंस और वाले करना स्टैक वाले, ठीक है भाई। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय। एक घंटे के अंदर पूरा कंप्यूटर पेपर सॉल्व।